किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। राज्य में लोगों का पेट भरने वाला किसान ही आज भूखे हैं। राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी इनके लिए आंदोलन करेगी और इनको इनका हक दिलाएगी, ये कहना है राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी के अध्यक्ष का। अध्यक्ष ने बताया कि बिहार के किसान बाढ़ और सुखाड़ दोनों से परेशान हैं। केंद्र सरकार को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार काम करना चाहिए। किसानों को 10% आरक्षण, पेंशन, हर खेतों तक पानी, एक बाजार की व्यवस्था, इन मुद्दों को लेकर पार्टी आंदोलन करेगी। बिहार के किसानों के साथ विशेष परिस्थिति है। जैसे भारत की तुलना में किसान, भारत की तुलना में बिहार की आबादी लगभग 9% है और क्षेत्रफल मात्र 2.86%, यानी आबादी से लगभग 3 गुना ज्यादा। और बिहार के किसान 3,558 रुपये, बिहार में 5.5 सदस्य वाला किसान परिवार काम करता है, यानी एक किसान परिवार एक दिन में 118.5 रुपये कमाता है और उसी परिवार का एक सदस्य एक दिन में मात्र 21.5 रुपया कमाता है। यानी हम बिहार के किसान आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए हैं। इसलिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं कि जैसे आप लोगों की NDA की सरकार गरीब स्वर्ण भाइयों को आर्थिक आधार पर पिछड़ा मानकर 10% आरक्षण देकर उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किए हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्व के आरक्षण में बिना कोई छेड़छाड़ किए MS स्वामीनाथन के रिपोर्ट के आधार पर जिन जिन लोगों को किसान माना गया उन तमाम किसानों को किसान वर्ग के तहत आर्थिक रूप से अति पिछड़ा मानकर 10% आरक्षण अलग से देने की कृपा करें। बिहार का एक किसान हूँ, रामस्वरूप प्रसाद यादव मेरा नाम हुआ और किसानों से संबंधित कुछ मुद्दा पर बात रखना है। पहला, किसान किन किन लोगों को माना गया है? तो MS स्वामीनाथन के रिपोर्ट के आधार पर किसान कृषि लायक जिनके पास जोत है उनको माना गया है, बटाईदार को किसान माना गया है और पट्टेदार, कृषि मजदूर, रोपण, मुर्गा पालन, मछली पालन, पशुपालन, माली, चरवाहा और कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोगों को किसान माना गया है। ए बंजी कहां लागे और तू चलो ब्रेक का गुंडा इन्हें आ ना।